नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दिल्ली में गुरु रविदास मंदिर गिराए जाने के विरोध में फतेहाबाद के रतिया शहर में जबरदस्त विरोध देखने को मिला। इतना ही नहीं, बसें रोकी गई, रोड जाम किया गया और जबरदस्ती दुकानें भी बंद करवाई गई। साथ ही साथ सड़कों पर रोष मार्च भी निकाला गया। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। दिल्ली के तुगलकाबाद में संत गुरु रविदास मंदिर के गिराए जाने के विरोध में फतेहाबाद के रतिया शहर में आज भीम आर्मी एकता मिशन की ओर से जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने रतिया शहर में जुलूस के तौर पर एकत्र होकर के मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बाजारों में जाकर दुकानों को बंद करवाया। बाजार बंद करवाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर रोड जाम किया और बसों का आवागमन भी बाधित कर दिया। इस मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जुलूस निकालते हुए पैदल मार्च भी किया और एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों के बारे में मालूमात होने पर एसडीएम खुद सामने से चलकर प्रदर्शनकारियों तक पहुंचे और उनका ज्ञापन लिया। आयोजित प्रदर्शन के बारे में जानकारी देते हुए प्रदर्शनकारियों ने बताया कि दिल्ली के तुगलकाबाद में श्री गुरु रविदास मंदिर को गिरा दिया गया है और इसके कारण लोगों में काफ़ी रोष है। इसको लेकर आज पंजाब बंद बुलाया गया है। पंजाब के साथ लगते फतेहाबाद जिले में रतिया शहर में भी लोगों ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ रोष जताया। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट मांग की है कि रविदास मंदिर का निर्माण दोबारा कराया जाए और भविष्य में इस तरह के मंदिर गिराए जाने की कार्रवाई न हो। इसको लेकर सरकार गंभीरता से कदम उठाए। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई श्री गुरु रविदास महाराज का अपमान है और हम लोग गुरु रविदास महाराज का अपमान बिल्कुल सह नहीं करेंगे। आप देखें पल पल की विशेष रिपोर्ट। 3 दिन पहले जो दिल्ली के तुगलकाबाद में हमारे गुरु रविदास जी का मंदिर तोड़ा गया है, उसी के विरोध में ये आज हमारा प्रदर्शन रहा है और हम इस सरकार की इस कार्य के लिए घोर निंदा करते हैं कि ये हमारे समाज के जो कि 700 साल पुराना मंदिर था उसे तोड़ा गया है। एक तरफ तो सरकार जो है मंदिर मस्जिद बनाने की बात करती है, अयोध्या में राम मंदिर बनाने की बात करती है और दूसरी तरफ दलित समाज का इतना ऐतिहासिक मंदिर जो तोड़ने की बात तोड़ा उन्होंने, ये घोर निंदनीय है। हमारे सभी समाज इसका विरोध करता है। तो कौन कौन से संगठन मैम इसके साथ में जुड़े हुए? इससे में मेड़गर सभा के और नौजवान सभा के, भीम आर्मी हैं और भी हमारा ये सिर्फ एक चमार यहाँ से समाज इकट्ठा नहीं हुआ, सब समाज है इकट्ठा हुआ, सभी ने समर्थन दिया है और मैं सबका अपनी तरफ से और पूरे समाज की तरफ से मैं उनको धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने सहयोग दिया और उन्होंने दिखाया कि हम सब एक हैं और अगर हमारे समाज के साथ किसी ने छेड़छाड़ की और हमारे समाज दलित समाज को किसी ने इस तरह सताया तो हमारा पूरा संगठन एक है, मजबूत है, एक रहेगा। किसी भी समाज के साथ अगर कोई ऐसा सरकार जो निंदनीय कार्य है वो करती है तो हम सब मिलकर उसका विरोध करें। हाँ जी, अगर मंदिर को दोबारा से ना निर्माण किया गया तो आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए जिस आज तो हमने ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे धरने किए हैं, अगर हम सबको जुड़ पड़ी तो हम दिल्ली तुगलकाबाद जहाँ पे हमारा मंदिर गुरु रविदास जी का रहा हम वहाँ जाएंगे और वहाँ पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमारे संस्कारों ने बहुत ही बड़ा घिनौनी हरकत की है, इन्होंने शुरुआत कर ली है धारा 370 को तोड़कर आज इस मंदिर को तोड़ा, कल को गुरुद्वारे में बनेंगे तो, और मंदिर की बात जो कर रहे हैं कि हम मंदिर बनाएंगे, मंदिर से किसी को एलर्जी नहीं, वे कितने मंदिर बनाए उनकी आस्था है मंदिर, लेकिन किसी मंदिर को बने को तोड़ना ये एक बहुत बड़ी सरकार की घिनौनी हरकत है। इस हरकत को चमार को और दूसरे जो संत हमारे साथ रहकर ईट से ईट खड़का के वो मंदिर वहीं बनवाएंगे।
ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਘੜਦੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਪੁੱਠੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਪੁੱਠੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਭਾਈਓ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆਇਓ ਉੱਥੇ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ अगर कोई दुनिया के बच्चा परमात्मा अवतार है तो गुरु रविदास अवतार है।